तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमने घिया ले लिया है, घिया का पानी ऑलरेडी मैंने निचोड़ लिया था। इसके अंदर मैंने लहसुन ऐड किया है, आप चाहे तो इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं, अजवाइन ऐड कर सकते हैं, आप पनीर या गोभी के भी कोफ्ते बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। नेक्स्ट हम इसमें अपने मसाले डाल लेंगे, विच इंक्लूड्स धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा की जगह आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने मैदा यूज़ किया है। आपको इंश्योर करना है कि मैदा अच्छे से घी के साथ मिल जाए और उसकी बॉल्स बना लेनी है। अगर आप सिलेंड्रिकल शेप के कोफ्ते चाहते हैं तो आप सिलेंड्रिकल शेप में बना सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको एंड में। एंड एक पैन में हम ऑयल डाल के उसको अच्छे से गरम कर लेंगे, एंड जो हमारे कोफ्ते हैं उनको फ्राई करने के लिए तेल में डाल देंगे। आपको इंश्योर करना है कि कोफ्ते गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएं एंड अच्छे से अंदर तक फ्राई हो। कई बार ये होता है कि बाहर से तो पक जाता है बट अंदर जो कच्चा कच्चा रहता है, तो इंश्योर करें आप उसको अच्छे से फ्राई करें। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हुए हैं, और इसको मैंने नैपकिन पर रख दिया। जो भी एक्सेसिव ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर सोख लेगा। यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के हमने अंदर तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद हम इसमें चॉप्ड अनियंस और टोमेटोज़ डाल देंगे। आपको कोई बारीकी से नहीं काटना है इसको, हमने इसको खुरदुराई काट के डाल देंगे। रीज़न वाई, क्योंकि अभी ये मिक्सी में पिसेगा। हमें इसकी ग्रेवी बनानी है तो हमें इंश्योर करना है कि बस हम इसको अच्छे से पका लें, विच वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। प्याज के ट्रांसलूसेंट होते ही हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए है, एंड इन सबको डाल के इसमें काजू ऐड करेंगे और उसको ढक देंगे। 10 मिनट्स तक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि अच्छे से सब मैश हो गए होंगे और सॉगी सॉगी हो गए होंगे, विच इज़ व्हाट वी नीड। इसको हम गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी के पीसने के बाद इसकी ग्रेवी कुछ इस तरीके की दिखेगी, जैसे आप आगे देख रहे हैं। हम पैन के अंदर थोड़ा सा तेल ले लेंगे और थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे।
टू इंश्योर कि मक्खनी वाली ग्रेवी बने। उसके अंदर हमने डाल दिया है जीरा, एक दालचीनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें सौंफ डाल सकते हैं, मोटी इलायची छोटी इलायची दोनों डाल सकते हैं, बट मैंने इसको मिनिमल चीज़ों से ही बनाया है। अब हमारे मसाले डालने का टाइम आ गया है। मसालों में हम डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक, दैट शुड बी इट। और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार मसाले में से अच्छी खुशबू आने लग जाए, आप इसके अंदर डाल देंगे अपनी ग्रेवी जो आपने मिक्सी में पीसी थी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर सिमर करने के लिए रख देंगे कि जिससे ग्रेवी में अच्छे से सारे फ्लेवर्स आ जाएं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम डाल दी, और क्रीम के साथ साथ कस्तूरी मेथी डाल देंगे फॉर एनहांस टेस्ट एंड फ्लेवर। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। सो अब हमारी ग्रेवी रेडी है। अब इसको हम कोफ्तों को हमने एक प्लेट पे रख दिया है, और इसको कोफ्तों के ऊपर डाल देंगे एंड सर्व करने के लिए तैयार है बिल्कुल। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, एंड मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ तानवी होम मेकर। बाय एवरीवन।